तो पैथन की कोर क्लासेस में हम बात कर रहे हैं एरे के बाद स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स की। तो लास्ट चैप्टर हमारा एरे था, एरे के बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि अगर कोई स्ट्रिंग लेना है तो हम जैसे मान लीजिए एस पे एस इक्वल टू यहां हम लिख देते हैं इन द इन्वर्टेड कॉमा, मैं अपना नाम ही लिख देता हूं सुजीत कुमार सिंह, तो इस तरह के नाम हम यहां पे कर सकते हैं और प्रिंट करेंगे तो हमारा ये सेंटेंस प्रिंट होगा, जैसे कि हमने यहां पे एस कर दिया। अब इसको रन करेंगे तो मैं नाम सुजीत कुमार सिंह लिखेगा, या फिर हम डबल कोटेशन मार्क यहां सिंगल कोटेशन मार्क भी लगा सकते हैं। तो पैथन के अंदर में सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्ट करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मुझे एक पैराग्राफ डालना है, मुझे क्या डालना है, एक पैराग्राफ डालना है। तो पैराग्राफ कैसे डालना है? तो पैराग्राफ डालने के लिए जैसे कि मैं यहां पे के इक्वल टू यहां पे एक पैराग्राफ लेता हूं मैं, जैसे कोई भी एक पैराग्राफ उठा लेता हूं। मैं एक काम करता हूं गूगल पे जाता हूं और गूगल पे जाके हम कुछ सर्च करता हूं। जी हाँ, मैं आर्किटेक्चर स्कूल जो है इसी को उठाते हैं हम, एक पैराग्राफ हमने उठा लिया और पैराग्राफ उठा के इसके बीच में डालता हूं। तो क्या हो जब इसको मैं रन करूंगा तो यहां सॉरी प्रिंट नहीं था, यहाँ पे प्रिंट के करता हूँ, प्रिंट के, तो आप देखेंगे कि यहाँ एक लाइन में यहाँ लिखा हुआ पुरार, यहाँ छोटा पड़ गया तो अपने आप यहाँ पे टूट गया। लेकिन इसी चीज को मैं यहाँ पे तीन बार लगाता हूं और फिर यहाँ हम इसको एंटर प्रेस करके नीचे लाते हैं, फिर यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करके लाते हैं और यहां भी हम इसको तीन बार जो है दे देते हैं। तो इस तरह से हम कोई पैराग्राफ को कोड में डाल सकते हैं, क्योंकि लंबा चलेगा तो फिर वो स्क्रीन के हिसाब से दिखेगा, यहां पे हम डाल दिए तो इसके हिसाब से जहां जहां से हमने एंटर प्रेस किया है या स्पेसेस दिए हैं टैब दिए हैं वो चीज आपके यहां दिख जाएगा। तो कभी भी टेक्स्ट के अंदर में जब कोई पैराग्राफ डालना हो तो पैराग्राफ में आप इसी तरह से तीन बार क्वेश्चन मार्क डालेंगे, तीन बार सेमी कॉलन, अब तीन बार सिंगल कोट। जैसे मैंने बताया कि यहाँ डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क दोनों चलता है, तो अगर मान लीजिए इस पर डबल कोटेशन मार्क डालना है तो आपको तीन बार डबल कोटेशन मार्क डालना होगा। ऐसा नहीं कि आप दो या एक डाल दीजिए तो नहीं होगा, तीन बार डबल कोटेशन मार्क, तब जाके आपका ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसका ध्यान आप बिल्कुल रखिएगा कि अगर एक पैराग्राफ डालना है तो किसी तरह से हम डालेंगे। अब उसके बाद बात आती है कि मान लीजिए कि मुझे यहां पे मैं करता हूं p इक्वल टू और हमने यहां पे दिया क्वेश्चन मार्क में आईपीटी एक्सेल स्कूल। अब मैं आईपीटी का फुल फॉर्म यहां डालना चाहता हूं, यहां पे आईपीटी का फुल फॉर्म यहां डालता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो अब इस तरह से ब्रैकेट में दिखेगा, तो ब्रैकेट में यहां दिक्कत, तो यहां पे के नहीं डाला हमने। हाँ, तो जब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट पी को प्रिंट करते हैं तो पी को प्रिंट करने के बाद यहां आप देखेंगे नीचे कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग में ब्रैकेट दिख रहा है, लेकिन कई बार हमें ब्रैकेट नहीं हमें यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क को शो करना है। जी हाँ, डबल कोटेशन मार्क शो करना है। तो डबल कोटेशन मार्क कैसे शो करेंगे? तो इसमें जैसे वीवीए वगैरह में डबल कोटेशन मार्क हम लेते थे तो वहां पे हमें दो बार देना होता था, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हम डायरेक्टली इसके अंदर डबल कोटेशन मार्क डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे तो डबल कोटेशन मार्क हमने डाला है, ये डबल कोटेशन मार्क डायरेक्टली यहां पे आपका प्रिंट होगा। तो डबल कोटेशन मार्क डायरेक्टली आप देख रहे हैं यहां पे आपको प्रिंट हो रहा है। उसी तरह से मान लीजिए मुझे सिंगल कोटेशन मार्क चाहिए,
मान लीजिए यहां पे हमें सिंगल कोटेशन मार्क चाहिए इसके जगह पे, तो आपको स्टार्टिंग में डबल कोटेशन मार्क और यहां पे सिंगल कोटेशन मार्क डालना होगा। इसका ध्यान रखिएगा कि अपोजिट होगा। अगर अगर आपने अगर आपने दोनों तरफ टेक्स्ट को अगर डबल कोटेशन मार्क में डाला तो आप इसके अंदर सिंगल कोटेशन मार्क को नॉर्मली डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सिंगल कोटेशन मार्क में डाला तो टेक्स्ट के अंदर डबल कोटेशन मार्क आप इजिली डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट वाले सिस्टम में आपके साथ भी डिस्कस किया था यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि मुझे कोई ब्रेक देना हो, टैब देना हो, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए उसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्लैश टी दे देता हूं और यहां भी मैं स्लैश टी दे देता हूं, तो स्लैश टी क्या होता है? स्लैश टी टैब देता है। क्या देता है? टैब। देखिए ये आईपीटी के बाद और पहले इसने टैब लगा दिया क्योंकि हमने यहां पे टैब दिया हुआ है। अगर इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, इसके टैब जानते हैं, इस टैब के बारे में, चलिए वन बाई वन। तो अगर आपने टी लगाया तो टैब देगा। अब मैं यहां पे ए ले देता हूं, मान लीजिए यहां पे स्लैश ए, स्लैश ए, स्लैश ए बिल का संबल है, इसमें लिख रहा है अलर्ट बिल और अलर्ट। और हम वी देते हैं तो बैक स्पेस का काम करता है, वी देते हैं क्या करता है, बैक स्पेस का। देख सकते हैं इसने डिलीट कर दिया, एक स्पेस को डिलीट कर दिया। अब ए जो हम दिया था इससे पहले, वो ए क्या करता है, बेल, मतलब एक टिंग टॉन्ग जैसे साइंस सॉन्ग देता है यहाँ पे कर्स जाने पे। देखिए वो अलग सॉफ्टवेयर में होता है, इन इसमें नहीं, मतलब कि उसके लिए जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे और जब ईएक्सई फाइल बनेगी, रन होगी, वहां पे वर्क करेगा। अब एन जो मैंने बताया ही था, एन क्या है, न्यू लाइन। एन का काम क्या होता है, न्यू लाइन देता है। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि आईपीटी के बाद रिशूट प्रोसेस रेडी और न्यू लाइन आ गया। उसके बाद टी जो है हॉरिजॉन्टल टैब होता है और वी वर्टिकल टैब होता है, वी वर्टिकल टैब। जैसे यहां पे हम कॉपी करते हैं और यहां पे हम स्लैश वी देते हैं और यहां भी स्लैश वी देते हैं, तो रन कीजिए क्या होगा, क्या देख रहे, ये थोड़ा सा इसके सीध में नहीं है, देख सकते हैं, एक एक टैब हटा हुआ है, वर्टिकल टैब। इसके बीच में जो लाइन गैप जरा दिख रहा है ना, क्योंकि तो इससे पहले वाले देखिए सिंपल एन लगा था, न्यू लाइन लगा था, यहाँ पे गैप नहीं था, और इसके अंदर देखिए कि ये एक एक लाइन का गैप दे दिया, मतलब कि वर्टिकल टैब दे दिया। अब इसमें एक चीज और आता है, आर, आर फॉर एंटर बटन। अगर यहाँ पे स्लैश आर करते हैं तो क्या है, हालांकि इसका यूज जो है बहुत कम होता है क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इसका यूज किया नहीं, बट लिस्ट में था तो मैंने सोचा आपको बता। ओके तो आईपीटी में आप देख सकते हैं कि इसने एंटर बटन में स्लैश आर किया तो रिवर्स कर दिया, क्योंकि रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि एक्सेल स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो इसने क्या क्या लिया है, इसने यहां से स्कूल ले लिया और यहाँ पे इंस्टॉल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, दोनों एक साथ दे दिए, इसने रिवर्स कर दिया आई थिंक, इसको लग रहा है स्कूल एक्सेल स्कूल और उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इसके बारे में हम आगे बताएंगे क्योंकि जो चीज मुझे पता नहीं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीजें मैंने कभी यूज किया नहीं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, ऐसा नहीं कि सब कुछ मुझे आएगा। इसमें एक आता है करेक्टर एक्स, तो इसमें अगर हम स्लैश एक्स करते हैं, स्लैश एक्स एक्स करते हैं, ओके
इसको एक हटा देता हूं, एक्स रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। जी हाँ, एक्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर। आप दूसरा आता है कि अगर इसमें मैं डबल ए देता हूं तो क्या होगा, यहां पे सिंगल है। तो कभी आपको इस तरह का टेस्ट करना होगा तो कोड में आपको डबल देना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब यहां पे एक काम और करते हैं, अभी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब इसको इन्वर्टेड कॉमा से पहले आर लगा दें, तो आर क्या करता है कि जो कोड आप लिखते हैं से मुझे तरह शो करता है। आर लगा दिया मैंने तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पे एक आईपी थी और स्लैश करके पूरा दिखा रहा, तो पूरा का पूरा आपको दिखेगा, कोई कटेगा नहीं, बट आर शो नहीं है। अब यहां पे एक चीज और आता है, जैसे मैं यहां पे p इक्वल टू यहां पे u कोड लेता हूं, u सिंगल कोड स्लैश, उसके अंदर में यहां पे u 0915, ये देखिए क्या करेगा, यहां पे कॉ दे दिया, मतलब कि ये जो 095 जो हुआ कॉ का हुआ, किसका हुआ, कॉ का हुआ। अब इसी में हम स्लो स्लैश करते हैं, अब स्लैश में हम यहां पे करते हैं यू 094B। अब देखिए इसमें क्या है, अब हो जाएगा कॉ जो है अब हो जाएगा को। तो इस तरह से हिंदी की जो कन्वर्जेशन है इसी तरह से करेंगे। अब इसके लिए आपको हिंदी का जो फॉन्ट है फॉन्ट को लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लिख दिया 092A, नहीं 093 हो जाएगा, 0930 का साइड। अब यहां पे हम करेंगे तो देखिए 4 हो गया। तो इसको और कैसे इस्तेमाल की जा सकती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस तरह से आप करेक्टर इंग्लिश करेक्टर को हिंदी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं इसके ऊपर। जैसे मुझे अगर मान लीजिए लेंथ जानना हो कि पी के ऊपर लेंथ कितना है, तो एन इक्वल टू हम लगाएंगे फॉर्मूला लेन, और लेन में हम p को ले लेंगे। अब यहां पे अगर मैं n करता हूं तो लेंथ, इसे पहले भी हमने एरे में बताया है, तो लेंथ का काम क्या होता है, लेंथ ऑफ करेक्टर बताता है, जो भी करेक्टर होगा उस करेक्टर का लेंथ बताता है। इसी तरह से आपका जो करेक्टर होता है उसका भी एक अपना इंडेक्सिंग होता है, आप उस इंडेक्सिंग के बिहाव पे लेके चल सकते हो। अब इसके लिए ये जो कोड है, इस कोड को मैं यहां से कट करके एक नोट पैड में डाल देता हूं, ताकि आप क्लास के बाद इसको डाउनलोड कर सके और देख सके। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। अब यहां पे हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं, तो यहां जैसे मैंने s इक्वल टू हमने डाल दिया, अपना ही नाम डाल दिया, सुजीत कुमार। अब इसमें हम फोर लूप लगाते हैं कि फोर i इन s, और यहां पे हम करते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम यहां पे i दे देते हैं, तो आप देखेंगे कि जितने भी कैरेक्टर है एक एक करके प्रिंट होगा। यहां तो देख सकते हैं सुजीत कुमार इस तरह से वर्टिकली प्रिंट हुआ, लेकिन इसी में अगर मैं यहां पे कर देता हूं कॉमा,
कॉमा, और कॉमा में एंड कमांड इक्वल, और यहां पे स्पेस दे देता हूं। तो हर किसी के अब क्या होगा कि ए आपका सुजीत कुमार, कुछ इस तरह से एक एक करेक्टर के गैप में लिखेगा, एक एक करेक्टर के गैप में लिखेगा। तो आप जो है इंडेक्सिंग जो है कि आपका इस तरह से इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जैसे जिस फॉर्मेट में आपने लिखा है उस फॉर्मेट की तरह से ये अलग अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किसी भी नाम को रिजर्व ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं यहां पे मान लीजिए कि P इक्वल टू यहां पे लिख देता हूं मोह, यहां पे लिखता हूं 4 I in S, और इसको हम ब्रैकेट में यहां पे दो बार कॉलम करके -1 कर देते हैं, और यहां पे हम करते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम दे देते हैं आई, और यहां पे एंड कर देते हैं, और इसमें इस बार स्पेस नहीं लगाते हैं। तब क्या होगा, मोहन को क्या करके देता है देखिए एक बार। सॉरी, यहां एस ले लिया, पी करना है। यहां पे हम स्लैश एंटर, तो आप देख सकते हैं कि मोहन को इसने उल्टा कर दिया, AHOM कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो हमने रिवर्स के लिए यहाँ पे -1 दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एरे में -1। अगर मान लीजिए -1 नहीं देते हैं तब क्या हो, तो अब देखिए क्या है। तो जो है मोहन के जैसा ही जो मोहन था वही मोहन दिया आया है, स्लैश एम को। तो ये आपका मोहन सिंपल, क्योंकि जैसे -1 करने पे वो रिवर्स हो जाता है। अब इसमें जैसे कि करेक्टर दिए हुए हैं, हम मान लीजिए कि यहां पे हम यहां पे लिखते हैं कि एस इक्वल टू, और एस इक्वल टू मान लीजिए हमने यहां पे अपना नाम सुजीत ही दे दिया। अब यहां पे हम देते हैं एस स्क्वायर ब्रैकेट में 09/1, मतलब ये हुआ कि इसे 0 से 2 0 से लेके 8 तक चलेगा। अब इसमें 8 तो नहीं है, सुजीत तो कमी 6 है, 5 कर देते हैं। ये 0 से चलेगा 5 तक, और एक का गैप स्टेप जो होगा एक स्टेप होगा, क्या होगा एक स्टेप होगा। अब यहां पे करते हैं, सॉरी यहां प्रिंट दे रहा है, हाँ प्रिंट। हाँ देख सकते हैं SUJE आया। तो इस तरह से आप जो है कि आपका कौन सा लेना है, इसमें तीन पार्ट होता है कि कहां से स्टार्ट है, कितना तक जाना है, और कितना कितना लेटर का गैप करना है। मान लीजिए आप एक एक छोड़ के करना है तो यहाँ 2 करेंगे, माइनस में करेंगे तो पीछे से शुरू करेगा, स्टार्टिंग में प्लस करेंगे तो आगे से शुरू करेंगे। तो ये आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं, इसमें आप माइनस प्लस करके देखिएगा। फिर एक दो एग्जाम्पल इसमें और हम दे देते हैं। जैसे मैं अपना पूरा नाम यहाँ पे सुजीत कुमार पूरा कर देता हूँ, सुजीत कुमार। अब यहां पे एक काम और करते हैं कि यहां पे हम देते हैं प्रिंट,
स्लैश 10 कर देते हैं ताकि गैप गैप हो। और यहां भी इसको दे देते हैं, इसको उठाते हैं, कॉपी नीचे पेस्ट करते हैं। अब इसमें हम बोले कि एक से स्टार्ट हो और इसमें मान लीजिए -1 करिए, तो -1 करने पे क्या आएगा? देखिए -1 करने पे आप देखिए यहां पे SUJ आया, तो -1 करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट था हमारा इसमें। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई -1 से स्टार्ट हो -5 तक जाए और तीनों माइनस में मिल गया, अब क्या होगा? अब आ गया एरर। राइट टू लेफ्ट, अच्छा 5 दे दिया यहां पे मैं, 4 जी। देखिए कुमार जो था यहां, कुमार उसमें RAM आ गया, क्या आ गया? RAM। अच्छा यहां पे -4 कर देता हूं, यहां कुछ नहीं ब्लैंक दिया, कुछ था ही नहीं। और यहाँ पे हम इसको, यहाँ हम 0 से शुरू करते हैं, 0 से -4 ठीक है, -1 से -7 करता हूं, तो ये देख सकते हैं। तो यहां से क्या शुरू किया? R से किया शुरू, RAMUK, कुमार इसने लिया RAMUA, तो लास्ट से जो है चीज लेना शुरू किया। देखिए आप पहले उसने R दिया, R को रखा, फिर A को रखा, RN को, तो राम हो गया, फिर U के रखा, फिर K का रखा, तो राम UK हो। तो इस तरह से इसको रिट्रीव कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें रिपीटिंग स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग को हम रिपीट कैसे करेंगे? तो रिपीट स्ट्रिंग करने के लिए यहां पे जैसे कि मैं यहां पे, तो हम यहां देते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हमको एस मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, हमने क्या कर दिया? एस मल्टीप्लाई बाई 2। तो आप देखेंगे कि सुजीत जो है यहां पे 2 बार आया, सुजीत के नाम आया 2 बार आया। अच्छा इसमें अगर मैं यहां पे एंड कर दूं, एंड में इक्वल और यहां पे स्पेस कर दूं, तब क्या होगा? अब सुजीत कुमार और सुजीत, पता ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में स्पेस आया, नहीं स्पेस बिल्कुल नहीं है। तो स्पेस के लिए आपको जो है उसको पहले से जोड़ना होगा कि भाई लास्ट में स्पेस होना चाहिए, फिर स्पेस हो जाए। इस तरह से इसको रिपीट कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और है कि मैं यहां पे देता हूं कि एस इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में एस 5/7, यहाँ पे 5/, हमने यहाँ पे 7 कर दिया और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। ओके यहाँ पे केस देना पड़ेगा, केस मिल गया। अब यहाँ पे हम प्रिंट एस करते हैं, प्रिंट एस में इसको रन करते हैं, तो यहां पे देखिए टी को 3 बार इसने कर दिया, 5 से 7, सुजीत जो है, अब 5 से 7 में स्पेस भी है ना, मतलब कि 5वां नंबर में क्या है? ई होगा, तो यहां से स्टार्ट किया 0 से हुआ ना, तो 0 से स्टार्ट हुआ तो 5वां नंबर तो टी आएगा, और टी के बाद एक स्पेस है 6ठा नंबर, तो ये क्या किया इसने, इसको 3 बार मल्टीप्लाई। तो कोई पर्टिकुलर करेक्टर बीच के करेक्टर को निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ज्वाइन करने की बात आती है कि दो टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एफ इक्वल टू यहां पे मैंने लिख दिया सुजीत, और यहां पे
एल इक्वल टू हमने लिख दिया कुमार। अब मुझे यहां पे दोनों को जोड़ के सुजीत कुमार बनाना है, और यहां पे एन एन इक्वल एन नहीं एन एम एन एम इक्वल टू हमने क्या किया एफ प्लस एल कर दिया, एफ प्लस एल। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं किसको, एन एम को, तो एन एम देखेंगे आप यहां पे कि आपका सुजीत कुमार इकट्ठा आया, यहां पे इकट्ठा आया, बट इसमें स्पेस नहीं है, तो इसमें आप क्या करें एफ एल, यहां पे इसमें स्पेस, फिर यहां पे दे दे प्लस एफ। अब क्या आएगा सुजीत स्पेस कुमार, सॉरी एल से एफ एफ हो गया, एल कर, हाँ एल कर दीजिए, अब सुजीत स्पेस कुमार। इस तरह से दो या दो से अधिक टेक्स्ट को आपस में प्लस करने पे आपका ज्वाइंट हो जाता है, याद रखिए। तो अगर आप मल्टीप्लाई बाय नंबर करते हैं उतना बार वो रिपीट कर देता है, और दो टेक्स्ट को प्लस करते हैं तो आपस में उसको प्लस कर देता है। तो टेक्स्ट में हम आगे करेंगे इसके ऊपर, फिलहाल इतना ही, सीख लीजिए प्रैक्टिस, अगले क्लास में मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ।